आज आपको सभी को पता है हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, लेकिन क्या होता है लैक ऑफ वोकैबुलरी की वजह से हम कहीं ना कहीं इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पर आपको लेटेस्ट वोकैबुलरी के नाम से आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपको वोकैबुलरी मिलने वाली है। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहला वर्ड जो देखते हैं यहाँ पर कम वाट में, चाहे कुछ भी हो जाए तो आप कम वाट में का यूज किस कंडीशन में आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप कम वाट में यहाँ पर आपको दिखेगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना लक्ष्य पूरा करूंगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कम वाट में। आप यहाँ पर कम वाट में का यूज कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना लक्ष्य जरूर पूरा करूंगा। आई विल अचीव माय गोल। तो आप इस कंडीशन में कम वाट में का यूज कर सकते हैं, जैसे कम वाट में आई विल गिव यू मनी, और जैसे कम वाट में आई विल सर्टेनली मीट यू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे जरूर मिलूंगा। तो आप इस वर्ड का अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। आइए सेकंड वर्ड देखते हैं। आपका सेकंड वर्ड है इरेस्पेक्टिव ऑफ, आप कुछ भी लगा सकते हैं परवाह के बिना। दोस्तों वो किसी भी चीज की परवाह हो सकती है, वो लोगों की परवाह हो सकती है, वो ब्रदर की परवाह हो सकती है, वो पैसे की परवाह हो सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहली एक सेंटेंस लिख चुका हूँ, लोगों की परवाह किए बिना आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर लगाएंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ पीपल, यहाँ पर आप इसी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ पीपल आप ये काम कर सकते हैं। यू कैन डू दिस वर्क। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि इरेस्पेक्टिव का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे इरेस्पेक्टिव ऑफ मनी यू कैन डू एवन बिजनेस, पैसे की परवाह के बिना आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ पीपल यू कैन स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, लोगों की परवाह के बिना आप ब्रोकन इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो वन थिंग इज अ फॉर श्योर, एक बात तो निश्चित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वन थिंग इज अ फॉर श्योर, एक बात तो निश्चित है, एक बात तो निश्चित है यह लड़का अंग्रेजी सीखने के लिए इच्छुक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वन थिंग इज अ फॉर श्योर, वन थिंग इज अ फॉर श्योर दिस बॉय इज अ वेरी इंटरेस्टेड to learn English language. तो दोस्तों आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, और भी बहुत सारे कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे one thing is a for sure you will have to do this work, एक बात तो निश्चित है आपको ये काम करना ही होगा, तो आप इसका भी अपने लाइफ में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ वर्ड आपका कौन सा है। फोर्थ वर्ड है आपका देन एंड देयर। देन एंड देयर का दोस्तों उस जगह भी यूज करते हैं कर सकते हैं जहाँ पर उसी समय या बिल्कुल तभी हमको यूज करना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी समय आपको स्कूल जाना होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं you will have to go school then and there. तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और भी आप मोस्ट कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, लाइक यू हैव टू गिव मी मनी देन एंड देयर, आपको उसी समय मुझे पैसे देने होंगे। लास्ट वर्ड जो हमारा है वो है बाय द वे। बाय द वे का हम यूज कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो वैसे होता है। बाय द वे का हम यूज कर सकते हैं बाय द वे आई कैन डू दिस वर्क। तो आप यहाँ पर बाय द वे का यूज कर सकते हैं।
आप और भी बहुत सारी कंडीशन में बाय द वे का यूज कर सकते हैं, लाइक बाय द वे यू कैन डू दिस डोर, बाय द वे यू कैन गो देयर, बाय द वे आई कैन गो ओवर देयर। दोस्तों आप बाय द वे का ऐसे यूज कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। दोस्तों अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपको वोकैबुलरी को याद करना होगा। तो अगर आप की समझ में नहीं आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आपको ये वर्ड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।